अभी बनाएंगे मोदक। मोदक के लिए ये 2 लीटर दूध कढ़ाई में ले लिया है और इसको आधा घंटा तक अच्छे से दूध को जलाएंगे, जिससे कि मोदक के लिए मलाई तैयार हो जाए। ये 20-25 मिनट तक दूध को उबालने के बाद दूध काफी सारा जल चुका है और इसमें हम डालेंगे 1.5 मुट्ठी के आसपास शक्कर। ये शक्कर इसके अंदर मोदक के लिए ये शक्कर डाल लेंगे और शक्कर डालने के बाद इसको चलाते रहेंगे, जिससे कि शक्कर जले नहीं और बर्तन में लगे नहीं, पिघल जाए पूरी तरह और दूध में मिक्स हो जाए। इसके लिए ये चलाते रहेंगे। इस तरह से इसको चला के और गाढ़ा कर लेंगे। अभी दूध जो है वो गाढ़ा हुआ नहीं है। ये 20-25 मिनट तक दूध को और उबालने के बाद ये दूध जो है मोदक के लिए पूरा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन इसको और गाढ़ा करना है जिससे ये टाइट हो जाए और मोदक कहीं टूटे नहीं। इसके लिए दूध को और 15-20-25 मिनट तक स्लो गैस पे पकाते रहेंगे, जिससे गाढ़ा होता जाएगा और बाद में ये पूरी तरह गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से दूध को चलाते रहेंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे। और ये 8-10 मिनट बाद दूध और सूख चुका है और इसके ऊपर डालेंगे ये 1 चुटकी केसरिया कलर, सैफ्रॉन कलर, इसके अंदर 1 चुटकी और इसको एक साथ नहीं डाल के हल्का हल्का डाल के चलाते रहेंगे। चला के ये सैफ्रॉन कलर डालते रहेंगे। और ये इस तरह से और थोड़ा सा सैफ्रॉन कलर डाल लेंगे। और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे सैफ्रॉन कलर को। मिक्स करने के बाद ऊपर से और थोड़ा सा डाल लेंगे। मिक्स हो चुका है तो इसके ऊपर और थोड़ा सा बस इतना कलर डाल के इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे मोदक के लिए, जिससे कि मोदक कलरफुल हो जाएगा। हो गया क्या? नहीं ना, थोड़ा हाँ और थोड़ा टाइट कर लो। फ्रिज में टाइट कर दो ना। मैं करूँ? हाँ तो बातचीत। और ये इस तरह से पूरा गाढ़ा कर लिया हमने दूध को जला के मोदक के लिए।
से चला चला के ये दूध पूरा जो है जल के मावा बन गया है। इसको गैस बंद करके एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए, और ये जल्दी से ठंडा हो जाए मोदक बनने के लिए, इसके लिए इसको निकाल के फ्रीज में डाल देंगे आधा घंटा तक, जिससे पूरी तरह से जम जाएगा। ये इसमें डाल के इसको ठंडा करके जमा लेंगे। अभी अगर इसका मोदक बनाएंगे तो बिखर जाएगा, ये गीला है, इसको इस तरह से फैला देंगे ठंडा करके इसको मोदक। और ये मावा ठंडा करने के बाद इसको मिक्स करके अब मोदक बना लेंगे। ये छोटा सा पीस है मलाई का, उसको हाथ पे लेके गोल कर लेंगे और इसको इस तरह से नीचे के हाथ से दबा के इसको इस तरह से दो उंगली से दबा लेंगे और इसको इस तरह से बना के प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरह से फिर एक और दूसरा बना लेंगे। दबा के बना लेंगे, हाथ से दबा दबा के बना लेंगे, ऊपर से इसको दबा देंगे मोदक बनाने के लिए चार उंगली की मदद से, और उसको इस तरह से रख देंगे। और फिर से एक ये और मावा ले लेंगे, इसको इस तरह से दबा के इस तरह से बना के रख लेंगे। Thank you.